अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शेराम फ्रॉम ग्रैंड प्रॉपर्टीज़। कैसे हैं साहब? सबसे पहले मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ रिगार्डिंग Phase 9 प्रिज्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये हमारे लिए कैसा होगा और हमें इन्वेस्टमेंट इसमें क्यों करनी चाहिए। सबसे पहले इसकी मैं आपको कैटेगरीज बताता हूँ। इसमें जो प्लॉट्स हैं, 5 मरला का प्लॉट है, 10 मरला का प्लॉट है और उसके अलावा कनाल का और 2 कनाल का, ये कटिंग्स हैं इसमें। उसके अलावा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ये सबसे बड़ा फेज़ है DHA का। जो भी जितने फेजेस आए हैं उनमें सबसे बड़ा फेज़ Phase 9 प्रिज्म है। इसकी अप्रोचेस की हम बात कर लेते हैं। जै आप इसको अप्रोच कर सकते हैं, रिंग रोड से अप्रोच कर सकते हैं, फिरोजपुर रोड से आप अप्रोच कर सकते हैं। और इसके अलावा ऑलमोस्ट इसके 7 से 8 अप्रोचेस हैं जहां से आप यहां पे आ सकते हैं। आप Phase 6 से इसको अप्रोच कर सकते हैं। उसके अलावा आप आशियाना हाउसिंग स्कीम है, वहाँ से इसको अप्रोच कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये नॉन पोजेशन, अभी यहाँ पे पोजेशन ही है क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे DHA कंस्ट्रक्शन कर रहा है। और अब मैं आपसे जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने लगा हूँ कि प्लॉट्स के जो रेट्स हैं, प्लॉट्स के फाइल्स के रेट्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले जो 5 मरला है उसकी जो कटिंग है वो J ब्लॉक में है सबसे ज़्यादा, और उसके बाद आलमोस्ट वो 5 मरला ही है जो कि रिंग रोड के पास आती है। उसके बाद K ब्लॉक है और वो भी रिंग रोड के पास आते हैं। और उसके अलावा Q ब्लॉक है। Q ब्लॉक एक बहुत अच्छा ब्लॉक है जो कि Phase 9 टाउन के पास आता है। और उसके अलावा R ब्लॉक है, यहाँ पे आप 5 मरला के प्लॉट मिल सकते हैं। जो सबसे एक अट्रैक्टिव 5 मरला के लिए आप प्लॉट लेना चाहेंगे वो हम रिकमेंड करेंगे, उसमें आप लें Q ब्लॉक में, जो कि एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है क्योंकि ये उसकी अप्रोचेस जो Phase 6 से है जो बिल्कुल पास है और आलमोस्ट उसकी पोजेशन मिलने वाला है। और इसके रेट्स अगर बता दें, जो एवरेज प्लॉट है, जो रेट्स हैं इसके स्टार्ट हो रहे हैं 65 लाख से स्टार्ट हो रहे हैं और 90 लाख तक जा रहे हैं। ये 5 मरला के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद 10 मरला आया था, 1 कनाल आया था, 2 कनाल। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे कटिंग है वो 1 कनाल की कटिंग है। और जो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा जो सबसे अट्रैक्टिव फेज़ है, जो A ब्लॉक है जिसका पोजेशन मिलने वाला, Q ब्लॉक है, P ब्लॉक है, ये आलमोस्ट इनमें कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट जो है वो आलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है वो और बहुत जल्द इसका पोजेशन मिलने वाला है। और इसके जो रेट्स हैं 10 मरला के मैं आपसे रेट शेयर करूँगा जो अभी नॉन पोजेशन प्लॉट के हैं। वो आप स्टार्ट हो रहे हैं 115 से, 115 लाख से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ तक जा रहे हैं आलमोस्ट 150 तक, 150 लाख तक स्टार्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं। और इसी तरह मैं आपको बताना चाहूँगा 1 कनाल के रेट्स। 1 कनाल के जो प्लॉट हैं वो यहाँ पे जो मिल रहा है वो हर आलमोस्ट A में मिल जाता है, B में मिल जाता है, C में मिल जाता है। आलमोस्ट जितने भी इसके ब्लॉक्स हैं उन सब में ये अवेलेबल है 1 कनाल का प्लॉट आलमोस्ट। और इसमें जो प्लॉट के रेट्स हैं वो 200 लाख से स्टार्ट होते हैं और ये आलमोस्ट ये जाते हैं 300 लाख प्लस। ये 1 कनाल के बारे में मैंने आपको बताया। और उसके अलावा मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा आप Phase 9 प्रिज्म के बारे में, आप लोगों को ये ओवरसीज़ के लिए ये बहुत अट्रैक्टिव है। यहाँ पे इन्वेस्टर ट्रेडिंग के लिए आते हैं क्योंकि एक बहुत अच्छा फेज़ है और अट्रैक्टिव फेज़ है और इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत अच्छा है। और उसके अलावा मैंने आपको फ़ाइल्स के रेट्स के बारे में बताना था। फ़ाइल्स आप ले सकते हैं 5 मरला की, 10 मरला की और 1 कनाल की। ये फ़ाइल्स अवेलेबल हैं मार्केट में। 2 तरह की फ़ाइल्स होती हैं, आई होप आपको पता होगा, एलोकेशन और एफिडेविट फ़ाइल्स होती हैं, ठीक है। इन दोनों फ़ाइल्स को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे आपके साथ। और दो किस्म की जो फाइल्स हैं दोनों को इंशाल्लाह हम डिस्क्राइब करेंगे आपके साथ अच्छे डिटेल में कि ये क्या होता है। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगेन मैं आप चैनल का नाम बताना चाहता हूँ आपको, ग्रैंड प्रॉपर्टीज़ है, और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, हमारा नंबर नीचे नोट है, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।